भोपाल के नरेला विधानसभा के अन्ना नगर में एक युवक की बिजली के तार पकड़ने से मृत्यु हो गई। इस मामले ने तुल तब पकड़ा जब कांग्रेस नेता और नरेला विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मनोज शुक्ला अन्ना नगर युवक के अंतिम संस्कार में पहुंचे। मनोज शुक्ला के पहुंचते ही मंत्री विश्वास सारंग के लोगों ने मनोज शुक्ला पर हमला कर दिया। परिवार शोक में डूबा हुआ था, परंतु अब तक अन्ना नगर राजनीति का अखाड़ा बन चुका था। अंतिम संस्कार में पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि समय रहते लोगों ने बीच बचाव किया। बता दें कि मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा से मंत्री विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हमारा नाम है शाहजहां खान, हम ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जी। हमारा मतलब है सरकार से 20 साल से कि मीटर लगाओ, तो इन्हीं ने आश्वासन दिया था कि हम मीटर लगाएंगे घर घर, तो हमने कह दिया लगा दो, हम लोग पैसे बिल भरेंगे। लेकिन इन्हीं ने आज तक मीटर नहीं लगाया। अब वो लड़का, एक ही लड़का था ये औरत के, ना आदमी है ना कोई है आगे पीछे। हाँ, और उसके बाद जो था, हमारा कहने का मतलब उनसे ये था कि करंट लगा के हर बच्चा चलता। दो गाय भी कल परसों मर गई, एक लड़का विकास नगर में मर गया, एक हमारे यहाँ मर गया। तो हमारा कहना यह है उनसे कि आप मीटर लगा दो या तो मुआवजा उनको इतना दो जो वो अपना पालन पोषण करे। कल रात करंट लगने से अन्ना नगर निवासी दीपेश की मौत हो गई थी। जब परिवारजनों को इसके पता चला तो परिवारजनों ने आज अंतिम संस्कार के दौरान अन्ना नगर के चौराहे पर चक्का जाम करने का प्रयास किया। चक्का जाम में कांग्रेस नेता अन्ना नगर पहुंचे, जिनका नाम था मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला के अन्ना नगर पहुंचते ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद मीडियाजनों ने तमाम तरीके से कुछ वीडियोस और फोटोज निकाले और मनोज शुक्ला को वहां से बाहर किया, लेकिन उस समय भीड़ इतनी हो चुकी थी कि मनोज शुक्ला पर आक्रोशित हो गए थे कुछ लोग। उन आक्रोशित लोगों में कई तरीके से पार्टियों से उन लोगों को जोड़ा जा रहा है। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, अन्ना नगर नरेला विधानसभा में आता है, भोपाल की नरेला विधानसभा में आता है, और नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग विधायक हैं, और मनोज शुक्ला का यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस के वो संभावित प्रत्याशी होने वाले हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि परिवारजनों का, वो मात्र एक लौता लड़का था जिसकी उम्र मात्र 24 से 25 साल थी, जिसका नाम दीपेश था, वो चक्का जाम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपने पुत्र के लिए या तो किसी सरकारी नौकरी जो उनके परिवारजनों को मिले या फिर कुछ मुआवजा मिले। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 20 सालों से बिजली के तार और मीटर लगवाने की वहां की जनता की मांग है, परंतु अब तक वो मीटर नहीं लगवाए गए हैं, जिस कारण से कल वो जब तार लगाने वहां पर गया तो उसकी वहां पर मौत हो गई। अब इसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया और लगातार वीडियोज वायरल हो रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। वीडियो जर्नलिस्ट उबेस के साथ जीशान अली, मृदुभाषी, भोपाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।